साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 353वां प्रकाश पर्व सारे संसार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी प्रकाश उत्सव 2 जनवरी गुरुवार को प्रबंधक कमेटी गुरु सिंह सभा हाथीबाटा और शरबत साथ संगत अजमेर की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। संस्था के जोगेंद्र सिंह दुआ ने बताया कि इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए रागी जत्थे प्रचारक 22 दिसंबर रविवार को नगर कीर्तन की गतका अखाड़ा भरतपुर के बंदा सिंह बहादुर सतपाल सिंह अजमेर पहुंच रहे हैं। नगर कीर्तन 22 दिसंबर रविवार सुबह 11 बजे गुरुद्वारा हाथीबाटा से प्रारंभ होकर गांधी भवन स्टेशन रोड सहित विभिन्न मार्गों से वापस हाथीबाटा पहुंचेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश उत्सव जो कि 2 जनवरी न आ रहा है और उस खुशी में श्री गुरु सिंह सभा द्वारा आरती बांटा तो नगर कीर्तन 22 तारीख ऐतवार में बनाया जाएगा। जो स्टेशन रोड हमदाया केसरगंज तो डिग्गी चौक अमर टैंक तो पड़ाव तो क्लाक टावर तो मजार गेट चौराया, मजार गेट तो लेके नला बाजार हमदोए दरगाह शरीफ तो गुरुद्वारा हमदोए नगर कीर्तन नया बाजार पहुँचेगा। नया बाजार तो चूड़ी बाजार होके नगर निगम होके शाम को तकरीबन 6 बजे जो है उसकी समाप्ति श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा आरती वार्ता से होगी। सारी समूह संगत अगे बेनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जाके गुरु घर दियाँ शोभा बदान और गुरु घर दियाँ खुशियाँ प्राप्त करन और तन मन धन ना ला के सेवा करन। सारे नौजवान वीर अगे बेनती है कि वो आके सारा काज जो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने नगर कीर्तन दिया है अपना सहयोग करन, रल मिल के सारे जो है इस कार्य नु गुरु गोविंद सिंह महाराज प्रकाश उत्सव नु वह चढ़ के असी सारे मनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।